फ्रेंड्स, अपना किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं होटल स्टाइल चिकन घर पर ही। बहुत ही इजी है बनाना। सबसे पहले चिकन ले लेंगे और अच्छे से साफ पानी में इसको धो लेंगे। 5 बड़ा साइज प्याज लेंगे और पतला पतला काट लेंगे। 1 टमाटर लेंगे, 4 टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ अदरक के टुकड़े, 1 हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियां, लौंग, इलायची, थोड़ा सा दालचीनी ले लेंगे। चूल्हे पे कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए, उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। उसके बाद प्याज को डालेंगे और उसको अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। प्याज और हम लोग जो अदरक, मिर्च, लहसुन, लौंग, इलायची और दालचीनी लिए थे और टमाटर को भी डाल करके प्याज में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारे चीज़ों को डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर भी डालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगेगा, इस तरह से आप जरूर ट्राई करिएगा। और हम लोग इसको बढ़िया से फ्राई करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसी तरह से सारे मसालों को निकाल लेंगे। देखिए जब तक हमारा प्याज ठंडा हो रहा है तब तक हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद अपने चिकन को हम लोग फ्राई कर लेते हैं। चिकन जब फ्राई हो जाते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले हम लोग अपना चिकन फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब इसको 2 से 3 बार में हम लोग मिक्सर जार के ग्राइंडर में पीस लेते हैं। ये देखिए हमारे मसाले 1 बार पीस चुके। इसी तरह से 1 बार में नहीं होगा तो 2 से 3 बार में हम सारे मसालों को पीस लेंगे। चिकन को हम फ्राई कर चुके हैं, अब उसमें तेल डाल करके गर्म होने के लिए रख दी हूँ और उसमें मसालों को डाल करके मसालों को अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ तेल में। अब इसमें हम लोग 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और 1/2 लाल मिर्च पाउडर। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम लोग भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले इसमें चिपके नहीं, अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हम मसालों को लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। थोड़ा सा ढक करके मसालों को मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेते हैं। देखिए अब हम ढक्कन हटाएंगे और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने चिकन को इसमें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब मसालों में अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखिए इस तरह से, और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे चीजों को मिक्स करने के बाद ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद ये देखिए इस तरह से दिखेगा, हमारे मसाले चिकन अच्छे से पक गए हैं एक ही में। अब इसमें ग्रेवी के अनुसार थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके, हमारे चिकन एकदम रेडी हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप गर्मा गर्म सर्व करिए। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा।